थाना राया क्षेत्र के कस्बा राया में मानकों के विपरीत चल रही मीट की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग ने 5 दुकानों को सील कर दिया है, जिसमें से राया के सुल्तानगंज क्षेत्र में 4 दुकानों को सील कर दिया गया है। वहीं राया के मार्ड रोड पर संचालित एक दुकान को भी सील किया गया है। खाद्य विभाग की कार्रवाई से कस्बा के मीट विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर गौरीशंकर द्वारा बताया गया कि राया में मानकों के विपरीत चल रही मीट की दुकानों को आज सील किया गया है, जिसमें से कुछ दुकानें धार्मिक स्थलों के नजदीक चल रही थी, वहीं कुछ दुकानों पर अन्य मानकों पूरे नहीं पाए गए, जिसके चलते इन दुकानों को अग्रिम आदेश तक सील किया गया है। आपके द्वारा क्या कार्रवाई हुई है? एक्चुअली आज कई दिन से शिकायतें मिल रही थी कि मीट की दुकानें हैं जिस पर मीट कर बेचा जाता है, काफ़ी अनियमितता बरतते हैं। एक्चुअल में जो हमारे एक्टिव मंसा है उसके विपरीत ये काम कर रहे थे। मानक के अनुसार दुकानें नहीं चल रही थी, कुछ दुकानें धार्मिक स्थल जैसे मस्जिद के नज़दीक भी पाई गई, उन्हें अग्रिम आदेशों तक सील बंद करा दिया गया, सील लगा दी है। और जब भी दुकानें खोली जाएंगी जब मानक के अनुसार चलेंगे, संचालन करेंगे और दुकानों पर किसी भी तरह का कटान नहीं करेंगे। तो कितनी दुकानें सीज हुई हैं सर? ये आज 5 दुकानें सीज की गई। एक तो मार्ट रोड पर है जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, 4 दुकानें सुल्तानगंज एरिया है राया का, वहाँ पर सीज की गई।